बादशाह हो गया। तुम्हें शर्म है कुछ? कुछ शर्म आया है? इसी के साथ यार सबसे पहले बात करते हैं अपने बैटफोर्ड वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड वाले मैच की। अब यार देखो यार, इस मैच में ना आई थिंक हमने ह्यूमिलिएशन लिवरपूल वाले मैच को ह्यूमिलिएशन का, हमने मैनचेस्टर सिटी वाले मैच को ह्यूमिलिएशन का, बट इस मैच को मैं कहूँगा कि इट वॉज अ परफेक्ट ह्यूमिलिएशन फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। मतलब लिटरली आई थिंक अभी तक जो भी लोग ओले गुनर सोलशायर के सपोर्ट में थे, चाहे वो फैंस की तरफ से हो, चाहे वो बोर्ड की तरफ से हो, ओनर्स की तरफ से हो, आई थिंक ये उनके लिए एक आई ओपनिंग मैच था। क्योंकि सबके सब यही कह रहे थे ठीक है, लिवरपूल इज ऑन अनदर लेवल, सिटी इज ऑन अनदर लेवल, बट क्या हम ये वेटफोर्ड के अगेंस्ट भी कह सकते हैं कि वेटफोर्ड भी एक अनदर लेवल पे है? मतलब यार एक वो टीम जो कि रेलिगेशन में सर्वाइव करने के लिए बैटल कर रही है, उसने हमको 4-1 से रौन दिया है, 4-1 से। और 4-1 से भी यार मैं कह रहा हूँ कि कल मैंने अपनी स्ट्रीम में सवाल आपसे पूछा था, सवाल मैंने उन पैनलिस्ट से पूछा था और उन्होंने भी यही कहा कि 4-1 भी गरिमत है कि हमने सिर्फ 4 ही कंसीड करे हैं, हम यहाँ पे 6 और 7 गोल आराम से कंसीड कर सकते थे। डिस्पाइट कि हम 6-7 गोल कंसीड कर सकते थे, मैं बता दूं कि डेविड देया वाज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स फ्रॉम आवर टीम ऑन द पिच। रोनाल्डो गायब था, ब्रूनो फर्नांडेज गायब था, बाकी सारे प्लेयर्स गायब थे। एक पॉजिटिव जो मेरे को इस मैच में मिला वो था कि यहाँ पे डॉनी वैन दे बीक ने आके गेम सड़ाया नहीं, बल्कि डॉनी वैन दे बीक ने आके गेम बचाया। उसने दिखाया कि डिस्पाइट कि ओले गुनर सोलशायर उस पर ट्रस्ट करे ना करे, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर्स यूनाइटेड हैज़ इन द टीम राइट नाउ। लेकिन कहीं ना कहीं बात करते हैं अब अपने हैरी मैग्वायर की। तो हैरी मैग्वायर के रिगार्डिंग मेरे को सिचुएशन समझ में नहीं आती। चाहे हम हर हफ्ते हम यूनाइटेड मैच खेलती है, हैरी मैग्वायर को गाली पड़ती हैं इंग्लैंड की तरफ, इंग्लैंड के लिए वो इतने अच्छे अच्छे गोल स्कोर करता है भाई, उतने उसने 3 साल में यूनाइटेड के लिए नहीं गोल स्कोर करे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आप एक लीडर हैं और आप वहाँ पर वही गलती कर रहे हो जो आप पिछले 2 महीने से गलती कर रहे हो, तो आप में फिर लीडरशिप कहाँ है, आप में सेंस कहाँ है? यार अगेन मैंने एक चीज़ हमेशा आपको बताई है कि यहाँ पे डेविड देया इज़ नॉट अ स्वीपर गोलकीपर, और उसके बीच और डिफेंस के बीच, क्योंकि डेविड देया को आप बिल्डअप में इंक्लूड नहीं करते हो, तो आप में और डिफेंस के बीच में एक बहुत बड़ा गैप बन जाता है। हैरी मैग्वायर ने कल वही करा। सबसे पहले तो भाई वो इतना स्लो है, वो पोजीशन में इतना स्लो है, देयर वाज नो नीड, वहाँ पे बीच में रोनाल्डिनो बन रहा है, वो क्यों बन रहा है? पोजीशन लूज करा वहाँ पर, एंड ऑफ कोर्स यार आपने पोजीशन लूज करा, आपके पास स्पेस नहीं है, आपके और गोलकीपर के बीच में डिफरेंस इतना ज़्यादा है, तो आप क्या करोगे, आप वहाँ पर एक गंदा सा टैकल करोगे, और उसने वही किया। ऑलरेडी येलो कार्ड था, रेड कार्ड मिला एंड ही वेंट आउट। इसमें लीडरशिप कहाँ है, इसमें कैप्टनशिप क्वालिटी कहाँ है? सो अगेन हैरी मैग्वायर ने एक बार फिर से ये प्रूव कर दिया कल के मैच में कि येस ही नीड्स टू बी ड्रॉप आउट। और आई थिंक अब नए मैनेजर अगर आएगा तो यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि यहाँ क्या हैरी मैग्वायर से कैप्टनशिप छीननी जानी चाहिए। अब इसके रिगार्डिंग आपका क्या ओपिनियन है, क्या यहाँ पे हैरी मैग्वायर से कैप्टनशिप छीननी चाहिए या नहीं? और अगर उससे कैप्टनशिप छीननी चाहिए तो क्या उसको हम स्टार्टिंग 11 से बाहर करें या फिर नहीं? डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन डाउन बिलो। लेकिन इसी के रिगार्डिंग काफ़ी अच्छा एक हाईलाइटेड इवेंट भी था यहाँ पर। मैच खत्म होने के बाद जब ओले गुनर सोलशायर और बाकी की टीम जो अवे फैंस आए थे वेटफोर्ड के स्टेडियम में, उनको जब अप्रिशिएट करने और अपलॉड करने जाते हैं, तो वहाँ पे फैंस यहाँ पे बू करते हैं और विसल करते हैं। और इस पर कहीं ना कहीं ब्रूनो फर्नांडेज ओले गुनर सोलशायर को सपोर्ट करते हुए यहाँ पे पूरी टीम की तरफ यहाँ पर वो इशारा करते हैं कि गलती है, आपको गाली देनी है तो आप पूरी टीम को गाली दो, सिर्फ इस बंदे को गाली मत दो। और वहाँ पर कहीं ना कहीं जो फैंस है वो और भी ज़्यादा विसल और बू करने लग जाते हैं। ये तब तक चलता रहा जब तक फ्रेड उस सीन में नहीं आया और वो वहाँ से ओले गुनर ब्रूनो फर्नांडेज को वहाँ पर लेके नहीं गया। तो आप एक तरीके से कह सकते हो कि लास्ट के मोमेंट में चीज़ें इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी स्टेडियम में कि एक्चुअली में ब्रूनो फर्नांडेज को यहाँ पर सामने निकल के आना पड़ा। लेकिन इसी के साथ बात करते हैं अब ओले गुनर सोलशायर के सिचुएशन की। यार मतलब जैसे मैंने आपको एपिसोड के स्टार्टिंग में कहा, आई थिंक द एरा अंडर अ लेजेंड इज़ ऑलरेडी या तो ख़त्म हो चुका है या फिर वो ख़त्म होने वाला है। क्योंकि यार आपने अगर स्ट्रीम देखी होगी तो हम लगातार कल अपनी स्ट्रीम में भी आई थिंक 1:30 बजे तक हम स्ट्रीम कर रहे थे और हम लगातार इस चीज़ पे बात कर रहे थे क्या क्या यहाँ पे हैपनिंग है। मैं आपके बता दूं कि यार मैच खत्म होने के बाद ही यहाँ पे इमरजेंसी मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया गया था। लेकिन अब जिस समय मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसके ठीक 1 घंटे पहले ही यहाँ पर कंफर्मेशन मिला है और जोल ग्लेजर यानी कि जो मैनचेस्टर के ओनर हैं कि हाँ भाई अब ओले गुनर सोलशायर को सैक कर दिया जाए। और आप मान सकते हो कि ऑफिशियली अनऑफिशियली ये चीज़ कंफर्म हो चुकी है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड हैज सैक्ड ओले गुनर सोलशायर। और यहाँ पर बस आज जिस टाइम आई थिंक वीडियो ये अपलोड होगी यूट्यूब पर शायद से इसके लिए ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी होती हुई दिख सकती है। तो भाई ओले गुनर सोलशायर सही में सैक हो गया भाई, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि हाउ टू रिएक्ट इट, आई एम लिटरली स्पीचलेस। क्योंकि यार आई थिंक कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि ये सब चीज़ें हम इग्नोर कर सकते थे, ये सब चीज़ें हम अवॉइड कर सकते थे, क्योंकि कल में परसों में और कल में और आज में इतना ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है।
अगर हम अपनी हालत को देखें, हमारी हालत परसों भी ख़राब थी, हमारी हालत कल बदतर हो गई और हमारी हालत आज और भी ज़्यादा बदतर हो गई है। आई थिंक अगर हम यहाँ पे Ole Gunnar Solskjaer से मूव ऑन कर जाते कुछ टाइम पहले ही इंटरनेशनल ब्रेक में ही, तो यहाँ पे आई थिंक हमें भी मैनेजर एक नया मिल जाता। और जहाँ पे कहीं ना कहीं हम बात करें Ole Gunnar Solskjaer की जो लेगेसी है उस पर जो यहाँ पे एक तरीके से हर्ट हुआ है वो भी कहीं ना कहीं हम थोड़ी बहुत बचा सकते थे। जो फैंस यहाँ पर टर्न आउट हुए हैं, मैं फैंस को बिल्कुल भी ब्लेम नहीं करूँगा भाई, उन्होंने अपनी लास्ट मोमेंट तक ऑफ पेशेंस जो होता है ना, वो जो लास्ट इतना सा पेशेंस होता है वहाँ तक भी उन्होंने कहीं ना कहीं Ole Gunnar Solskjaer को सपोर्ट किया है। बट ऑफकोर्स यार क्लब इज़ बिगर देन एवरीवन। लेकिन इसी के साथ यार अब बात करते हैं रिप्लेसमेंट की। तो यार मैं आपको बता दूं कि रिप्लेसमेंट के तौर पे यहाँ पे बहुत चीज़ें इस समय चल रही है। द मोमेंट यहाँ पे यूनाइटेड ने डिसाइड किया कि Ole Gunnar Solskjaer को यहाँ पर सैक किया जाएगा, रिप्लेसमेंट ऑलरेडी यहाँ पर है। मैं आपको बता दूं कि इंटरिम मैनेजर यानी कि एक केयर टेकर मैनेजर एट द एंड ऑफ द सीजन इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी। बट कहीं ना कहीं मेरी गट फीलिंग्स और रिपोर्ट्स यही बता रही है कि 70-80% यहाँ पे यूनाइटेड यही ट्राई कर रही है कि एक नया मैनेजर ही हमको यहाँ पर अपने क्लब में चाहिए, और वो भी विलारियल वाले मैच से पहले। अब रिप्लेसमेंट की बात करें तो यहाँ पे देखो एरिक टेन हैग है, ब्रेंडन रॉजर्स है, ज़िनेदिन ज़िदान है, और यहाँ पे मॉरिशियो पोचेटिनो। एक एक करके हम आपको मैं चारों की सिचुएशन बताऊंगा। सबसे पहले एरिक टेन हैग पे आते हैं। तो एरिक टेन हैग के रिगार्डिंग जो एडमायरर्स हैं यूनाइटेड के बोर्ड में वो काफ़ी हैं, यहाँ पे जो ओनर्स हैं वो भी एडमायर करते हैं। बट रियलिटी है कि जो चीज़ परसों थी वही चीज़ कल थी, और जो चीज़ कल थी वही चीज़ आज है, यानी कि एरिक टेन हैग की स्टैंड नहीं बदला है, वो AX को छोड़ के नहीं आने वाला। एट द एंड ऑफ द सीज़न की बात बहुत अलग है, लेकिन अभी की बात बहुत ज़्यादा अलग है। एरिक टेन हैग लिटरली नहीं आना चाह रहा है यहाँ पे इस समय मैनचेस्टर यूनाइटेड में, और आप ये मान के चलो कि यहाँ पे आई थिंक एरिक टेन हैग के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हैं। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं अपने दूसरे मैनेजर की, जो कि है ब्रेंडन रॉजर्स। अब यार हमने लास्ट जो फुटबॉल डेली का एपिसोड हमने उसमें बात करी थी कि कैसे ब्रेंडन रॉजर्स ने एग्रेसिवली फ्रंट फुट पे आके यहाँ पे कहीं ना कहीं सारी ही चीज़ों को, ये दो महीने से कहानी चल रही थी उसको लिटरली सर के बार पलट दिया। अब मैंने आपको वहाँ पे ये भी बताया था कि मेरे पर्सनल ओपिनियन में मैं ये ऑलरेडी एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि ऑफकोर्स यार वो आके मना बोलेगा तो नहीं कि हाँ भाई हमारा कॉन्टैक्ट है या फिर है, बट इतने एग्रेसिवली आके बताता था कि कहीं ना कहीं उसने ये तो कंफर्म कर दिया कि वो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम तो आने में इंटरेस्टेड नहीं है। और इसका इफेक्ट हमें कल रात से देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर कल रात से ऐसा यूनाइटेड की तरफ से ऐसा हमें देखने को नहीं मिला है कि वो लिटरली बहुत सीरियस एफर्ट मार रहे हैं ब्रेंडन रॉयस को साइन करने के लिए, या फिर मैं कहूँ कि सही में पिछले दो महीने के कंपैरिजन में तो कल हमें कल से लेके अभी तक तो कुछ देखने को मिला ही नहीं है रॉजर्स के रिगार्डिंग। और ऐसा आप मान सकते हैं कि रॉजर्स डिस्पाइट इज़ अ प्राइम कैंडिडेट टू रिप्लेस, उसके रिगार्डिंग इतना कोई हलचल यहाँ पे नहीं मचा है। लेकिन इसी के साथ यार अब बात करते हैं ज़िनेदिन ज़िदान की। अब देखो ज़िनेदिन ज़िदान इज़ अ फैन फेवरेट, ज़िदान इज़ एब्सोल्युटली फैन बोर्ड फेवरेट, यहाँ पे ओनर्स का फेवरेट है, और आप मान के चलो कि ज़िदान के लिए ही सबसे ज़्यादा एफर्ट यहाँ पे यूनाइटेड मार रही है। आप ऐसे बताऊँ कि अगर 100% का एफर्ट है तो यहाँ पे 60-70% यहाँ पे ज़िदान के लिए ही है सिर्फ एफर्ट। और रिपोर्ट्स के हिसाब से यार ज़िदान के लिए यहाँ पर कुछ रिपोर्ट्स यहाँ पे ये हैं कि ज़िदान के लिए एक नया अटैम्प्ट करेगी। तो मैं आपको क्लैरिफाई कर दूँ, कोई नया अटैम्प्ट नहीं है, पहले से ही यहाँ पे बैक चैनल्स के थ्रू यहाँ पे कॉन्टैक्ट किया जा रहा है ज़िदान को काफ़ी टाइम से। बस हाँ सच्चाई ये है कि अब ज़िदान को कन्विंस करने में आप कह सकते हो कि यहाँ पे पैसों को डबल भी कर सकती है यूनाइटेड, और साथ ही साथ यहाँ पे जो डिपेंडेंसी है वो रोनाल्डो पे, राफेल वरान पे और पॉल पोगबा पे और भी ज़्यादा हो गई है कि वो ज़िदान को यहाँ पे कहीं ना कहीं कन्विंस करें कैसे भी करके। और अब आप एक तरीके से कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा सीरियस दिख रही है यूनाइटेड ज़िदान के लिए। अब इसके रिगार्डिंग यार मैं आपको बता देता हूँ कि कहीं ना कहीं सिचुएशन थोड़ी सी पलटी है। मैं बिल्कुल भी ये नहीं कहूँगा कि ज़िदान यूनाइटेड में आने के लिए तैयार हो गया, ऐसा कोई कॉन्क्रीट रिपोर्ट भी नहीं अभी तक हमें मिली है। लेकिन यहाँ पे जो आप कह सकते हो कि जो होप्स हैं वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख रही हैं इस समय से, क्योंकि ज़िदान फाइनली आई थिंक आप कह सकते हो कि यूनाइटेड अब जिस कन्विक्शन के साथ जा रही है वो फाइनली यहाँ पे कन्विंस कर सकती है ज़िनेदिन ज़िदान को। बात करते हैं इंटरिम मैनेजर की। तो इंटरिम मैनेजर्स में भी यहाँ पे कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर किया जा रहा है, चाहे माइकल कैरिक हो चाहे फिर बाकी के जो असिस्टेंट हो। यहाँ पे एक नाम लॉरेंट ब्लैंक का भी आ रहा है और एक नाम यहाँ पे राल्फ रांगनिक का भी आ रहा है। अब इंटरिम मैनेजर्स की अगर लॉरेंट ब्लैंक की बात करें तो यहाँ पे उसको एक्सप्लोर किया जा रहा है। राल्फ रांगनिक की बात करें तो आपको पता है कि उसने शर्त रखी हुई है कि उसको एक परमानेंट फुटबॉल पोजीशन चाहिए क्लब में, जो कि आपको पता है यूनाइटेड जैसे इतने पॉलिटिकल क्लब में मिलना बहुत मुश्किल है। बात करें Ole Gunnar Solskjaer के असिस्टेंट की, तो यार यहाँ पे मेरा आपसे ओपिनियन ये है कि ये जो माइकल कैरिक हैं ये जोसे मोरिनो के अंडर भी फेल हुए, ये Ole Gunnar Solskjaer के अंडर भी फेल हुए, तो आपका इसके रिगार्डिंग क्या ओपिनियन है? क्या इनको अभी भी सैक नहीं किया जाना चाहिए? क्योंकि मैं आपको बता दूं कि रिपोर्ट्स के हिसाब से ज़िदान ने एक कंडीशन ये भी रखी है कि अगर इनकेस वो आता है तो वो अपना स्टाफ लेके आएगा, ना कि उन स्टाफ के साथ काम करेगा जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टेड है। तो ये भी एक बहुत बड़ी कंडीशन है। और
मैं आपको बता दूं कि इस समय माइकल कैरिक का यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने की बात चल रही है, हुआ नहीं है, रिन्यू करने की बात चल रही है। मेरे पर्सनल ओपिनियन में तो यार आई थिंक इनको भी यहाँ पर सैक कर देना चाहिए, इनकी भी यहाँ पर छुट्टी कर देनी चाहिए। वी नीड अ न्यू सेट ऑफ कोचेस, हमें एक पूरा स्टाफ ही नया चाहिए, एक नई डायरेक्शन चाहिए। और अगर आई थिंक जिदेन की डिमांड है तो आई थिंक बिना सोचे समझे हमको इसको बस हाँ कर देना चाहिए।